हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये प्यारी सी जो टॉप बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ चेन्स बना लेते हैं। चेन्स इस तरीके से बनाई जाती हैं। देखिए, एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर से हम अपने क्रोशिया हुक की मदद से इस तरीके से हमें बाहर निकाल लेना है और धागे को टाइट कर देना है चैन को, ठीक है ना। इस तरीके से हमें चैन बनाना स्टार्ट कर देना है और हमें यहाँ पर टोटल 72 चेन्स बना लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 72 चेन्स बना के रेडी कर ली हैं। और अब इसमें देखें, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चेन 1, 2, 3, ये 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनाएंगे जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है। और थर्ड चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रहे हैं। पहली ये चेन्स वाली हमारी एक काउंट हो जाती है, तो ये दूसरी हो गई, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी यहाँ पर। और इसके बाद ये देखिए 1, इसी तरीके से हम बराबर बराबर एक के बाद एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर चैन में। और 10 डबल क्रोशिया हमें बनाकर यहाँ पर रेडी कर लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें बराबर बराबर चैन में 10 डबल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ पर हमारी 10 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब 11 नंबर के जो चैन है हमारी, ये यहाँ पर, तो इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है एक ही जगह पर, ठीक है। इसी एक चैन में हम यहाँ पर 1, 2 एंड 3 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है ना। एक ही जगह पर बनाएंगे तो ये हमारा कॉर्नर हो जाएगा, जो कि हमारे गले के जो स्क्वायर बना रहे हैं उसका फर्स्ट कॉर्नर हो गया। अब हमें यहाँ पर इसके बराबर में जो चैन्स हैं उसमें बनाते हुए बराबर बराबर डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चैन में। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से बना लेनी है। देखें, इस तरीके से हम बराबर बराबर डबल क्रोशिया बनाते हुए 14 डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो 14 डबल क्रोशिया हैं वो कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 डबल क्रोशिया के बाद हमें यहाँ पर 15 जो नंबर की हमारी चैन है यहाँ पर हमें वापस से कॉर्नर बनाना है, जिसके लिए हम एक ही चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, 2 एंड 3, एक ही जगह पर हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाई है। और इसके बाद वापस हम यहाँ पर, ये कॉर्नर हमारा सेकंड वाला हो गया। अब इसके बराबर में चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, उसके बराबर में बनाएंगे। अब ये हमारा जो हमने अभी ये पार्ट बनाया है, ये हमारा शोल्डर का पार्ट हो गया। अब ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं। बैक के लिए हमें 20 डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हम 3 मंथ से लेकर 1 साल तक के बच्चे के लिए आराम से आ जाएगा। तो 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम
थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ये हमारी यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया पूरी हो जाती हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 21 जो चैन आई हमारी उसमें हमें यहाँ पर देखिए इस जगह पर वापस हमें तीसरा कॉर्नर बनाना है, थर्ड कॉर्नर। यहाँ पर भी हम एक ही चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीसरा कॉर्नर है। इसके बाद हम दूसरी साइड का शोल्डर बना रहे हैं। इसके आगे हमें बराबर बराबर चैन में वापस से 14 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 14 डबल क्रोशिया बनाने के जिस तरीके से हमने दूसरी साइड में 14 डबल क्रोशिया बनाई थी उसी तरीके से इधर भी हमें 14 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, और इसके बाद हमें ये देखिए यहाँ पर हमने 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली हैं वन यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चैन है 15, इसमें हमें बनानी है 3 डबल क्रोशिया। एक ही जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फोर्थ हमारा फोर्थ वाला कॉर्नर हो गया। अब हम इसके बाद में 10 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनानी है, 1 2 3। तो 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ हमारी 10 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर पूरी बना ली हैं और ये हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये देखें इस तरीके से हमारा ये दिखाई दे रहा है सेकंड। इसके बाद ये हमें सेकंड जो राउंड बनाना है वो हम मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये आपको दिखेगा। ये देखिए ये हमारा यहाँ का शोल्डर साइज़, ये पीछे बैक साइड और ये दूसरा शोल्डर और ये फ्रंट की साइड हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। वन टू थ्री, और इसके बाद हम यहाँ पर देखें हर बराबर बराबर जो हमारी डबल क्रोशिया हमने बनाई थी इससे पहले राउंड में उसके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाते जाना है। और जहाँ तक हमने कॉर्नर बनाया था वहाँ तक लेकर बनाना है हमें ये डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से हर बराबर बराबर बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर आ जाता है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए हमने यहाँ पर 3 जो डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें देखो यहाँ पर ये, तो इसमें फर्स्ट वाले में तो हमें डबल क्रोशिया बनानी है सिंपल, और इसके सेकंड वाले में यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है एक ही जगह पर। तो पहले एक सिंगल बना लेते हैं, ये देखें अब फर्स्ट वाली में हमने बना ली है और सेकंड वाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 एंड 3, तो ये हमारी बीच की जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी उसके बीच वाले हिस्से में हमने सेकंड वाले में हमें बनानी है। तो इससे हमारे फंदे थोड़े थोड़े इंक्रीज़ होते जाएंगे हर लाइन में, इसी तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड मुझे लगता है फंदों को बढ़ाने का, और आपकी चोली से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है इसमें। तो ये देखिए मैंने दूसरे कॉर्नर तक बना लिया है जो हमारा ये शोल्डर पार्ट है यहाँ पर भी। अब ये दूसरे कॉर्नर में भी हमें ये फर्स्ट वाले जो हमने 3 बनाए थे तो फर्स्ट वाले में हमें बना लेना है सिंगल क्रोशिया,
और सेकंड वाले में हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3, ठीक है। और बाकी हमें ऐसी तरीके से जिस तरीके से हमने सिंगल सिंगल बनाई हैं डबल क्रोशिया, उसी तरीके से बनानी है यहाँ पर भी, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे सिंगल उसमें भी कलर में बनाएंगी तो भी बहुत खूबसूरत बनेगी लगेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक आगे का फूल बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर दो कलर लगा रही हूँ। तो बैक का ये मैंने पूरा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बैक साइड के जो डबल क्रोशिया हैं मैंने पूरी बना ली हैं। अब ये थर्ड कॉर्नर जो हमारा आ गया है उसमें भी हमें उसी तरीके से सेम बनानी है। देखिए फर्स्ट में हमें यहाँ पर देखिए ये जो तीन वाले बनाए हैं, एक बार और अच्छे से समझिए। आई होप मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पर एक ही डबल क्रोशिया पर तीन डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए तीन बार मैंने बनानी है। अब ये सेकेंड आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें हमें सिंपल बनाना है। और नेक्स्ट जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पर, इस जगह पर हमें वापस इसी तरीके से बनाना है जैसे कि हम पहले बना रहे हैं। बीच वाले उसमें हमें तीन बनानी है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें सेम इसी तरीके से जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है उसमें हमें तीन बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तीन बार डबल क्रोशिया बना लेंगे एक ही जगह पर। और ये हमारा सेकंड राउंड है तो यहाँ पर ये इसी तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है। आगे सिंपल बनाएंगे डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा सेकंड राउंड पूरा हो गया है। और सबसे पहले जो हमने चेन्स बनाई थी जहाँ से स्टार्ट किया था, उसकी थर्ड चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। आप काउंट करके देख लें, ये हमारे 10 होने चाहिए और नेक्स्ट राउंड में 11। इसी तरीके से एक एक बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसे वाइट कलर के यार्न को अटैच करूँगी। बहुत बारीक सी हमें यहाँ पर एक वाइट कलर की लाइन लेनी है। तो देखिए मैं किस तरीके से इसका यूज़ कैसे करके लेनी है ये आपको मैं बता रही हूँ। इस तरीके से पहले अटैच करें इसे अपने चेन में से, ब्लू में से निकालें और चैन धागे को, ब्लू दिया यार्न को हमें टाइट करने हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे ऐसे, ठीक है ना। और वाइट कलर के धागे को हम इसी के अंदर अटैच कर देंगे ताकि ये बाहर से नज़र ना आए। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाली डबल क्रोशिया पे हमें सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है, सिंगल वाली ये निकालेंगे और फिर सिंपल इस तरीके से, इस तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है। ये हमारी बिल्कुल सिंपल सी सिंगल क्रोशिया की एक लाइन बनानी है हमें। और जब हम इसे पूरा कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, बारीक सी लाइन दिखाई देती है जो बहुत प्यारी लगती है। तो इसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप सिंपल पूरी, अगर आप सिंगल कलर में कुछ बना रहे हैं तो आप सिंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें इस तरीके से पूरा लाइन यहाँ पर बनाएंगे। और जब कॉर्नर आएगा, यहाँ पर देखिए हमारा कॉर्नर आ जाता है, तो कॉर्नर में किस तरीके से बनाना है मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए जो ये बीच का है उसमें हमें यहाँ पर बीच में तीन बार बनानी है सिंगल क्रोशिया, 1, उसी जगह पर दोबारा से बनाएंगे और उस तीन बार हमें इसी जगह पर बनाना है, देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तीन बार बनाने के बाद आगे का हमें सेम उसी तरीके से बनाना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और हर कॉर्नर पे हमें इसी तरीके से बीच वाले जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है उस पर हमें तीन बार बनाना है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने कर लिया है, मैं पूरी लाइन कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है ये फर्स्ट कॉर्नर और अब ये सेकंड कॉर्नर।
सेकंड कॉर्नर भी हमें सेम उसी तरीके से बनाना है। एक ही जगह पर हमें तीन बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से सेकंड वाले डबल क्रोशिया में सिंगल सिंगल क्रोशिया, एक और ये दो और ये तीन, तीन बार हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये कॉर्नर हमारा बिल्कुल ठीक से बन के आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। और आगे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो पूरी लाइन में हमें इसी तरीके से बना लेनी है जिस तरीके से हमने यहाँ बनाया है, वैसे ही सेकंड नेक्स्ट वाला जो कॉर्नर है वहाँ बनाएंगे, और उसके आगे वाले कॉर्नर पे भी सेम इसी तरीके से हम बना लेंगे। पूरी लाइन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊँगी, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी लाइन कर ली है अपनी। अब यहाँ पर जो चैन दिखाई दे रही है आपको, जो हमने शुरू में तीन चैन बनाई थी ब्लू कलर की, उसकी चैन में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है थर्ड चैन में। देखिए इस तरीके से हम बना लेते हैं, ये देखें इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर यहाँ हम इसे कट कर देंगे धागे को, और हमें ब्लू कलर का यार्न इसे दूसरी साइड में है हमारा, यहाँ ब्लू कलर का यार्न देखें मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरीके से नज़र देख रहा है। देखिए इस तरीके से हो गया है हमारा ये गले का शेप। तो अब हम यहाँ से ये जो ब्लू कलर का यार्न है इसे वाइट में अटैच करेंगे इसके ऊपर, जो हमने एक चैन बनाई है यहाँ पर इसमें अटैच करेंगे। देखें ये हम निकाल लेते हैं इसके अंदर से, और यहाँ पर हम बनाएंगे तीन चैन। तीन चैन बनाने के बाद में हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। देखें इस तरीके से हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, और जब हमारा कॉर्नर आएगा वहाँ तक हमें कॉर्नर तक बना लेना है। देखें यहाँ पर हमारा कॉर्नर तक मैंने बना लिया है। आप सेकंड जो डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी, सेकंड सिंगल क्रोशिया पे हमें यहाँ पर देखिए तीन बार डबल क्रोशिया बनानी है। सेकंड सिंगल क्रोशिया पे हमने तीन बनाई थी, उसकी सेकंड वाली पे बनाएंगे। ये देखिए तीन डबल क्रोशिया बना लिए हमने यहाँ पर। इसके आगे हमें सिंपल इसी तरीके से बनाना है, सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और नेक्स्ट वाली कॉर्नर तक बना लेंगे। देखिए इसमें हर लाइन में हमारे थोड़े थोड़े फंदे इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ढाल आ जाता है। ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड से थे, यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको। इसी तरीके से सेम बनाना है हमें यहाँ पर भी, ठीक है। तो पूरा कर लेते हैं इसी तरीके से, यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ तक मैंने बना लिया है, ये पूरी लाइन मैंने यहाँ तक कर ली है। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर दो लाइंस बनाई हैं उसके बाद वाइट बनाई है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी दो लाइंस बनाऊँगी। तो सेकेंड लाइन बनाते हैं ब्लू कलर की, तो यहाँ पर हम 1 2 3 चैन बनाएंगे, इसे हम पलट लेंगे। और यहाँ पर देखें इस जगह सेकंड वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए सेम वही मेथड है हमारा, यहाँ पर भी इसी तरीके से हमें एक के बाद एक बनाते जाने हैं लाइन्स। कॉर्नर तक ले आते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं। इसी तरीके से दो बनाएंगे, फिर वाइट की बनाएंगे, फिर दो बनाएंगे, फिर वाइट की एक लाइन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कट कर दिया है, दूसरी लाइन से हम अटैच करेंगे, यहाँ से अटैच करेंगे और फिर पूरी लाइन बनाएंगे हम। तो इसी तरीके से हमें बनाते रहना है, और थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊँगी। यहाँ से थोड़ा सा बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है इसकी,
जितने हमें चोली की लेंथ लेनी थी उतनी हमने यहाँ बना ली है। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ से मैंने 1, 2, 3 ये जो लाइन है इसे भी हम काउंट करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर हमारी ये 13 लाइंस हो गई हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखिए इसे डबल कर लेंगे, जैसे इस तरीके से देखिए, जैसे हमें चोली बनानी और रखनी होती है उस तरीके से रख लीजिए ऐसे। ये देखिए कितना अच्छा शेप आ गया है इसका। अब हमें यहाँ आर्म होल का साइज़ बनाना है और जो चेस्ट साइज़ है उसको बनाना है। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए अटैच करना होगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम इस तरीके से, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये वाला ब्लू की एक लाइन और हमें बनानी है। तो यहाँ 3 चैन बनाई हैं और उसके बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रहे हैं और इसी तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक इस जगह तक ले आना है। ये जो हमारा सेकंड वाली डबल क्रोशिया है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बना लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें नहीं बनाना है, यहाँ तक ही बनाना है। अब ये जो हमारा आर्म होल का साइज़ है इसे इस तरीके से हम जॉइन करेंगे। तो यहाँ से हम देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे पहले हम यहाँ, थोड़ा सा हमें यहाँ पर बीच में स्पेस देना है खाली जगह। और उसके बाद हम यहाँ जो ये हमारी सेकंड डबल क्रोशिया है जो हम 3 बना रहे थे उसके मिड बीच वाली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे अटैच करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा आर्म होल हो जाता है, ये देखिए। इसके बाद हम बैक साइड हमारी ये हो जाएगी। तो बैक साइड में हमें सेम उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं, हर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनानी है, देखिए इस तरीके से। तो दूसरी साइड तक जहाँ हमारा आर्म होल बनना है वहाँ तक बना लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ देखिए तो ये दूसरा वाला आर्म होल हमें बनाना है यहाँ पर। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर ये देखिए थर्ड जो 3 हमने एक ही जगह पर बनाए थे उसके सेकंड वाले में बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे, यहाँ देखिए अब जहाँ पर हमने ये 3 बनाए थे उसके सेकंड में डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे अटैच करना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड आर्म होल भी रेडी हो गया। अब बाकी हमें आगे का उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से हम बना रहे थे हर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, और हमें यहाँ तक बना लेना है। तो यहाँ पर ये वाला मैंने पूरा कर लिया है। इसके बाद हमें एक वाइट की लाइन लेनी है जैसे कि हम इस तरीके से ले रहे थे। आप ये देखिए पूरा हमारा ये लुक जो आया है इस तरीके से हो गया है, इतना हमारा बन गया है। ये हमारा बैक का पार्ट है और ये फ्रंट साइड है, देखिए। इसे हम पीछे बैक पहले पलट लेते हैं। यहाँ से हमें बनाना है, इधर की साइड से हम बना रहे हैं। देखिए इस साइड से हमारी धारी पतली है और पीछे की साइड से हमारी धारी थोड़ी सी मोटी आती है लाइन। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें इधर से ही अटैच करना है। तो अब ये यहाँ पर हम वाइट धागे को यहाँ पर अटैच कर रहे हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन वाइट की बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से हर सिंगल चैन बनाई हमने यहाँ पर और उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। बराबर बराबर हम जिस तरीके से पहले बना रहे थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया की एक लाइन बनानी है
और वाइट धागे को जो हमारा एक्स्ट्रा था उसे हम इसी में अटैच कर देंगे। और इसमें हमें देखिए यहाँ पर हमने आर्म होल की जो ज्वाइन किया है वहाँ पर हमें वहाँ तक बना लेना है, यहाँ से यहाँ तक पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ तक बना लिया मैंने। अब ये जो हमने एक चैन बनाई थी इस जगह पर हमें देखिए दो बार बनाना है यहाँ पर, इससे हमारा थोड़ा सा ये जो चेस्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। एक चैन में दो सिंगल क्रोशिया बनाई हैं और उसके आगे हमें सिंपल बनाना है, सिंगल सिंगल क्रोशिया बनानी है इसी तरीके से। तो यहाँ तक बना लेते हैं और यहाँ पर भी हमें इस चैन में दो बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये बना लिया है और यहाँ के जब एक चैन आ गई है तो और यहाँ पर भी हम देखिए दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और दोबारा इसी जगह पर इसी चैन में सिंगल क्रोशिया दोबारा से, ठीक है। इस तरीके से हमें बना लेना है, ठीक है ना। अब पूरा यहाँ तक कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली लाइन हमारी पूरी हो गई है और ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें नीचे का पार्ट जो है उसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है, तो ये यहाँ तक हमारा बनने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। और अब हमें यहाँ पर ब्लू की लाइन लेनी है, तो दूसरी साइड से हमें यहाँ पर ब्लू को ऊपर की साइड ये जो हमने एक चैन बनाई थी वहाँ पर अटैच करना है। ये देखिए इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम तीन चैन बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ देखें 1 2 2 चैन को स्किप कर रहे हैं, सिंगल क्रोशिया जो बनाई थी उसकी, और थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनानी है एक ही जगह, फिर एक चैन बनानी है और वापस से इसी जगह पर दो डबल क्रोशिया वापस बनानी है। देखें इस तरीके से हमारी ये हो जाएगा। अब देखिए फिर से अब हमें नेक्स्ट जो बनानी है, इस तरीके से लूप बन गया। फिर से हम यहाँ पर दो चैन को सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, फिर चैन, एक दो, दो चैन बना रहे हैं हम। आप चाहे तो यहाँ पर एक चैन भी बना सकते हैं और इसके बाद हम दो डबल क्रोशिया इसी जगह पर बना रहे हैं, फिर दो को स्किप करेंगे और थर्ड वाले जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हमें दो डबल क्रोशिया, दो चैन और वापस दो डबल क्रोशिया एक ही जगह पर, ठीक है। इस तरीके से हमें ये वाली पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। ये देखें इस तरीके से ये हो जाएगा। ये पूरी लाइन मैं कर लेती हूँ यहाँ तक और इसके आगे भी इसी तरीके से पूरा बनाने के बाद में फिर मैं आपको इसे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी लाइन कर ली है कंप्लीट। अब इसके बाद में ये देखिए लास्ट में हमारा वाइट यार्न हमने इसी तरीके से छोड़ रखा था। अब हमने यहाँ पर इसे कट नहीं किया है क्योंकि अब हम एक लाइन ब्लू की और एक लाइन वाइट की बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से इसे अटैच कर रही हूँ। इस तरीके से हमने इसमें चैन में से निकाला और डबल क्रोशिया को कंप्लीट किया ऐसे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें एक वाइट की लाइन बनानी है। तो वाइट की लाइन के लिए देखिए पहले हम दो ब्लू और एक वाइट की लाइन ले रहे थे, यहाँ पर हमें एक ब्लू और एक वाइट लेनी है। तो इसको ऊपर लेने के लिए देखिए हम पहले यहाँ एक बार निकाला और फिर दूसरा बार दो चैन हमें बनाई है
और इस तरीके से हमने ऊपर की साइड में अपने वाइट यार्न को ले लिया। बहुत इजी है ये तरीका, आप जब एक बार स्टार्ट करेंगे बनाना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसके बाद हमने ये तीन चैन बनाई हैं जो नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है, और ये जो हमारा गैप है हमें इसमें डबल क्रोशिया बनानी है एक, और दो चैन बनानी है फिर उसके बाद, और फिर से दोबारा इसी जगह पर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने ब्लू की हमने दो डबल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ पर वाइट की हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में हमें बनाना है फिर से वापस डबल क्रोशिया, फिर दो चैन और वापस से डबल क्रोशिया, ठीक है ना। बहुत सिंपल पैटर्न है, बहुत ही आसान है, और ये इस तरीके से आप बनाते जाएं। देखिए दो डबल एक डबल क्रोशिया, दो चैन और एक डबल क्रोशिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। इसे यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बना रहे थे, यहाँ हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो पूरी लाइन कर लेते हैं इसे कंप्लीट, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरी लाइन कर ली है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें वाइट की बनानी है हमने लाइन, और ब्लू लाइन बनानी है। तो यहाँ वाइट को हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, थोड़ा सा बाहर निकाल कर चैन को, और इसके बाद हम ब्लू को अटैच करेंगे। देखो ब्लू को अटैच करने के लिए भी हमें सेम इसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने वाइट को ऊपर लिया था। देखिए यहाँ पर चैन बनाई रखी है हमने, पहले फर्स्ट वाली चैन में और फिर सेकंड और थर्ड वाली चैन, थर्ड वाली चैन में से हम निकाल रहे हैं, सेकंड को स्किप किया है, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये हमारा ब्लू यार्न ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम तीन चैन बनाएंगे जो फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है, और यहाँ पर जो वाइट के गैप हमने बनाया था दो चैन का, वहाँ पर हमें वर्क करना है, दो डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दो चैन और वापस से दो डबल क्रोशिया। ठीक है ना। और इस लाइन में मैंने देखे बीच में एक चैन बना रही हूँ, क्योंकि मुझे दो चैन थोड़ी ज़्यादा लग रही थी इसलिए यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चैन बनाई है और वापस से दो डबल क्रोशिया। आप इससे ज़्यादा फर्क वैसे नहीं पड़ता है कुछ हमारे पैटर्न पर, आप एक या दो दोनों में से कुछ भी बनाएंगी तो ये हमारा पैटर्न सेम ऐसा ही दिखाई देगा। तो हम इसे इस तरीके से पूरी लाइन को कर लेंगे पूरा कंप्लीट। ये देखिए दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन बनाएंगे और उसके बाद में वापस से उसी जगह पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरीके से हमें एक के बाद एक लाइन बनाते जाने हैं यहाँ तक ये पूरा कर लेंगे हम वाइट, उसके बाद वाइट। देखिए ये हमने पूरा कर लिया है, इसके बाद हम वाइट में वैसे ही अटैच करेंगे। देखिए इस चैन में से अपने हुक को निकालेंगे और धागा निकालेंगे ब्लू इसके अंदर से, और डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, वाइट यार्न को टाइट कर देंगे, और उसके बाद हमें वाइट की लाइन बनानी है। तो वाइट को ऊपर लेंगे, एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाई थी तो दो धागों में से जो हमारी डबल क्रोशिया बनाई है उसमें से निकालेंगे, फिर इसमें से एक बार एक चैन बनाएंगे ऐसे। इस तरीके से हमें वाइट यार्न को ऊपर ले लेना है और नेक्स्ट लाइन बना लेनी है। तीन चैन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे, और जिस तरीके से वाइट यार्न की हमने ये पहले वाली लाइन बनाई थी सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी बना लेनी है।
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ, फिर चैन दो, दो चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले गैप में एक डबल क्रोशिया, दो चैन और वापस से एक डबल क्रोशिया। हमें जितनी लेंथ रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग उतनी लाइंस आप बना लें। मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक लेंथ बना ली है, मुझे इतनी ही लेंथ चाहिए थी। और लास्ट में मैंने ये देखिए, लास्ट में मेरे यहाँ पर ब्लू कलर आया है और वाइट कलर की मैं यहाँ नीचे बॉर्डर बनाऊंगी। और तो इससे पहले मैं यहाँ बीच में बटन के लिए किनारी बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये ब्लू कलर का यार्न का काम हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मैंने इसे कट कर दिया है और इसे मैं पक्का कर देती हूँ। इस तरीके से इसके अंदर से निकालेंगे और इसे टाइट कर देंगे। बॉर्डर और नीचे की किनारी मुझे वाइट कलर से ही बनानी है। देखिए इस तरीके से हम अटैच कर देते हैं इसके अंदर इसे, अपनी क्रोशियाई हुक की मदद से धागे को इसी के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। ये बाहर से नज़र आता हुआ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको अंदर करना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे आप कट कर लें या इसको भी आप इसी तरीके से अंदर अटैच कर दें, ठीक है। तो अब हम वाइट कलर के यार्न को आगे की तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर देखें इस तरीके से हमें लेनी है, यहाँ पर हमें बॉर्डर बनानी है आगे की किनारी। देखिए यहाँ से हम देखें, पहले हम जिस तरीके से ऊपर की तरफ ले रहे थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी लेना है वाइट कलर को ऐसे। और बिल्कुल कॉर्नर के जो हमारा किचन है उसमें से निकालना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखिए, ये हमारा बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक चैन। चैन बना लेते हैं एक वन चैन एक, और एक चैन और बनाई है मैंने यहाँ, और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर। ये देखिए बॉर्डर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी खाली गैप है, सबसे पहले हमने चैन और सिंगल क्रोशिया जो बनाई है, डबल क्रोशिया सॉरी, वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है टू टाइम्स। ये ब्लू की लाइन हो गई। अब हमें वाइट की लाइन में ये जो हमने बनाए हैं इसमें भी हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है इस तरीके से। तो ये हमारी फोर्थ सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ देखिए ब्लू आया है, तो यहाँ पर हमें बीच में जो हमारा जॉइंट होता है वहाँ पर एक लेनी है और दो हमें बीच में बनानी है। इस तरीके से हमारी टू लाइंस में फाइव सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। ये पैटर्न आपको बहुत ध्यान से बनाना होगा, क्योंकि इसमें अगर बॉर्डर आपकी ठीक से नहीं बनती है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये देखिए दो हमें बनानी है, दो एक एक लाइन में एक दो, और फिर यहाँ पर भी दो, फोर के बाद हमें फाइव जो है जॉइंट पे बनानी है, ये जो जॉइंट है हमारा उस पर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हमारी बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी और बिल्कुल इसमें झोल या बिल्कुल भी जो बल आ जाता है वो नहीं आएगा। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इस जगह पर भी हमें सेम इसी तरीके से बनाना है, दो इसमें बनानी है और दो इसमें बनानी है, ठीक है ना, और एक जॉइंट पे बनानी है। देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो फाइव दो लाइन में हमारी फाइव होनी चाहिए सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर बना ली है, बिल्कुल सीधी आई है मेरी लाइन।
और इसके बाद में यहाँ पर देखिए सबसे स्टार्टिंग की जो हमारी ये चेन्स बनाई थी हमने, हमें उस पर एक ज़रूर बनाना है इस तरीके से, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से ये बिल्कुल सीधी हो गई हमारी। अब इसके बाद हम इसे एक चैन बनाएंगे यहाँ पर और इसे पलट लेंगे। अब इसके बाद हर सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप बिल्कुल सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनाती जाएं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे ये बहुत अच्छे से बन जाती है। पहली लाइन अगर आपकी सही नहीं आई है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि सेकंड लाइन और में फिनिशिंग और ज़्यादा आ जाती है। आप बिल्कुल एक साथ इसे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं। तो यहाँ से मैं पूरा कर लेती हूँ सेकंड लाइन को, नीचे तक बना लेती हूँ। पूरी बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सेकंड लाइन यहाँ पर बना ली है। अब इसके बाद मैं थर्ड लाइन बनाऊँगी। मैं यहाँ पर टोटल 4 लाइन बनाऊँगी, क्योंकि ये जो छोटे बेबी के लिए बना रहे हैं हम, 6 मंथ के बेबी के लिए, तो इसमें ज़्यादा चौड़ी बॉर्डर आप ना बनाएं, इतनी ही बनाएं 4 लाइंस की, तो बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन सेम इसी तरीके से एक चैन बनाएं और आगे हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लाइन को कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक लाइन और बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ मैं पूरी कर लेती हूँ ये वाली लाइन और इसके अगली लाइन, ठीक है ना। 4 लाइंस बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 4 लाइंस की ये बॉर्डर मैंने बना ली है और ये बिल्कुल बहुत ही एकसार आ गई है। ये हमारी बटन पट्टी हो गई है जिस पर हम यहाँ पर बटन लगाएंगे। अब दूसरी साइड में जो मैं पट्टी बनाऊंगी, जो बॉर्डर बनाऊंगी, उस पर मैं बटन लगाने के लिए जो काज बनाए जाते हैं जिसमें बटन अटैच किए जाते हैं वो बनाऊंगी। तो उसे आप बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए मैंने कट कर दिया है धागे को और धागा मैंने इसी के अंदर अटैच कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा यार्न हो उसे मैं कट कर दूंगी, यहाँ पर ये कट कर दूंगी, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं दूसरी साइड की पट्टी। तो यहाँ पर मैं अटैच करूंगी वाइट यार्न को, बिल्कुल कॉर्नर पर अटैच करूंगी मैं यहाँ कर, जो मैंने 3 चैन बनाई थी यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है ना। बिल्कुल कॉर्नर से आप ज़रूर अटैच करें, तभी आपकी इस नीचे की लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है ना। इस तरीके से अटैच करने के बाद हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना। अब इसको अंदर ही अटैच करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, धागे को अंदर ही अटैच करेंगे। एक वही पैटर्न रहेगा यहाँ पर भी हमारा, 2 बनाएंगे हम इस जगह पर, देखें ऐसे, और इसके आगे यहाँ पर फिर से 2 बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, एक और बनाएंगे यहीं पर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जॉइंट पर, ये जो जॉइंट है इस पर एक बनाएंगे, तो ये टोटल हमारी 5 हो गई, देखिए, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 2 में 5 बनानी है हमें। इस पैटर्न से हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। अब फिर से हम यहाँ पर इस वाली ब्लू लाइन पर 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया वाइट लाइन पर बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और एक जॉइंट पर बनाएंगे। अब जो ये हमारा जॉइंट है, ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारी 5 की पेयर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरे पट्टी को बना लेना है।
तो मैं ऊपर तक किसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन जो बनाऊँगी उसमें आपको बताऊँगी कि किस तरीके से काज बनाना है। तो ये देखिए मैंने ये वाली लाइन पूरी कर ली है, अब हमें नेक्स्ट लाइन बनानी है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक चैन बना लेते हैं, वन चैन, इसे पलट लेंगे। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने बल ले लिया है इसे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर एक चैन बनानी है, एक और एक और दो। तो दो चैन बनाने के बाद देखिए हमने यहाँ पर दो चैन बनाई है और एक नीचे की सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और सेकंड वाले में इसे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से, इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा ये छोटा सा होल हो जाता है जो कि ये हमारा काज हो जाएगा बटन लगाने के लिए। अच्छा, इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ हमें बटन लगाने हैं, उस जगह पर हमें काज बनाने हैं। आप चाहें तो निशान लगा लें, देखें किस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ। मैं जो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तो मैंने एक यहाँ बनाया है, एक इस वाली लाइन पे वाइट की लाइन पर यहाँ बनाऊँगी, एक को स्किप करके दूसरी लाइन पर, बीच बीच में से मैंने एक एक स्किप किए हैं और वाइट के आगे मैं काज बनाऊँगी। टोटल 6 काज मैं यहाँ पर बनाऊँगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी बराबर के गैप पे निशान लगा सकते हैं। निशान लगाने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें कहाँ पर काज का शेप देना है। देखिए हमारा यहाँ पर आ गया है, तो अब हम यहाँ पर दो चैन बनाएंगे और एक नीचे वाले सिंगल क्रोशिया को स्किप करके सेकंड वाले में अटैच कर देंगे। बहुत ही सिंपल है ये बनाना, बहुत ही आसान है। ये देखें बहुत, अगर आपका बटन आप छोटा लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप दो की जगह एक चैन बनाएं, ठीक है ना, तो इससे आपका काज छोटा बन जाएगा। और बाकी आपको सिंपल वैसे ही बनाना है, सिंगल सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो ये देखिए फिर इसके आगे भी हमें इसी तरीके से बनाते जाना है और पूरी लाइन में मैं जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है मैं इसी तरीके से काज बना लेती हूँ, पूरा करने के बाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये वाली लाइन मैंने पूरी कर ली है, जिस जिस जगह पर मैंने आपको बताया था काज बनाना है मैंने वहाँ पर बना लिए हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हमें किस तरीके से बनाने हैं काज के ऊपर की लाइन, तो इस तरीके से एक चैन बनाएंगे, इसे पलट लिया है हमने, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया ही बनानी है हमें। अब यहाँ पर देखिए काज का जो पार्ट आ जाएगा, जिस जगह हमने दो चैन बनाई थी उसके ऊपर हमें किस तरीके से बनाना है, देखें ये देखें हमने क्योंकि नीचे की एक चैन को स्किप किया था यहाँ पर, तो हम एक ही सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो आपका यहाँ का एक पॉइंट बढ़ जाएगा, एक चैन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पट्टी में झोल आ सकता है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमने नीचे एक ही चैन को स्किप किया था, इसलिए हम इसके ऊपर एक ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बताया है, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाई है मैंने यहाँ पर और इसके बाद हमें आगे की सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से मैं पूरी पट्टी बना लेती हूँ, इसके ऊपर एक लाइन और बनाऊँगी। जिस तरीके से 4 लाइंस मैंने उस साइड में बनाई थी, दूसरी साइड भी 4 लाइन बनानी है। ये देखें मैंने यहाँ पर 4 लाइन बना ली हैं और ये मेरी पट्टी इस तरीके से दिखाई दे रही है, बिल्कुल सीधी आई है हमारी पट्टी और बिल्कुल दोनों पट्टियाँ बराबर की आई हैं। काज हमारी इस जगह पर है,
मैं आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो मैं यहाँ पर आपको बटन की पट लगा कर दिखाऊँगी। बिल्कुल एक सार यहाँ पर होनी चाहिए, आपके बराबर की पट्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की बॉर्डर बनानी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कंगूरा बना रही हूँ, बहुत ही इजी वाला कंगूरा मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ। देखिए यहाँ से हमने कट नहीं किया है धागे को, डायरेक्ट हम कंगूरा बनाने के लिए यहाँ से आगे की तरफ बना रहे हैं। ये जो हमारा गैप है पट्टी से पहले का, वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनानी स्टार्ट की है। 1 2 3 एक ही जगह पर बना रहे हैं हम। 4 5 6 टोटल 9 हमें बना लेनी है। 1 8 9 एट, यहाँ पर मैंने 8 या 9 आप बना सकते हैं, आपको जैसा कंगूरा आपको चाहिए हो। यहाँ पर मैंने 8 बनाई है। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने यहाँ आगे की तरफ इसे अटैच कर दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल नीचे आगे की साइड जो कॉर्नर गोलाई आई है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब नेक्स्ट हमें ये देखें, ये जो पैटर्न है उसके आगे की तरफ बनाना है हमें। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें, नहीं तो आपका झोल आ सकता है, ठीक है ना। 1 2 8 डबल क्रोशिया बनानी है। 8 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाएंगे। इस तरीके से। और अब इसके बाद हम यहाँ पर देखें इस जगह पर इसे अटैच करेंगे इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया की मदद से हम इसे अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच भी बोला जाता है इसे, स्लिप स्टिच से इसे अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें पूरी लाइन में हमें बना लेने हैं। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हुए 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से पूरे कंगूरे बना लेते हैं। पूरी लाइन में मैं बना लूँगी जो नीचे की साइड है, ठीक है ना। पूरा बनाने के बाद में मैं आपको यहाँ तक बना लेती हूँ, जहाँ तक हमारा यहाँ तक, ठीक है ना। तो बना लेते हैं फिर दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये बनने के बाद बिल्कुल। ये देखें इस तरीके से आपके दिखाई देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसे जो लास्ट में हमें आई यहाँ पर अटैच करना है, जहाँ हमने ये लास्ट की लाइन बनाई थी उसकी लास्ट चैन में हमें इसे अटैच करना है। स्लिप स्टिच की मदद से मैंने यहाँ अटैच किया है। एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और यहाँ धागे को हम कट कर देंगे। यहाँ मैंने धागे को कट कर दिया है और बाहर निकाल लेंगे। अब इसे टाइट कर देंगे और इसी के अंदर हम अटैच कर देंगे धागे को, है ना। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से अंदर अटैच किया जाता है, इसे अटैच कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल, और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम बाद में कट कर देंगे। देखें अब इसके बाद हम क्या करना है, देखें यहाँ पर मैं जो ये हमारा नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर गले की बॉर्डर बनाएंगे। गले पर मैं बहुत ही सिंपल बॉर्डर बनाऊंगी, ना कोई कंगूरा बनाऊंगी, ना ही कोई चौड़ी बॉर्डर बनाऊंगी। सिर्फ सिंगल क्रोशिया की मदद से मैं पूरी एक लाइन बनाऊंगी, क्योंकि ये छोटे से बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसके कंफर्ट का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, ताकि किनारी उसकी गर्दन वगैरह पर ना चुभे।
इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही हल्की किनारी बना रही हूँ। सिंगल क्रोशे देखिए कॉर्नर पे हमने यहाँ से धागे को निकाला और एक चैन बनाएंगे। इसे बिल्कुल कॉर्नर से निकालना है, एक चैन बनाएंगे और यार्न को इसी के अंदर जो अटैच करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर लाइन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, जो हमने ये बॉर्डर बनाई है उस पर। और उसके बाद हमारी जो डबल क्रोशिया आ जाएंगी ये वाली, इसके ऊपर भी हमें हर डबल क्रोशिया के आगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। गले की पूरी पट्टी हम इसी तरीके से सिंपल बनाएंगे। तो ये इसी तरीके से मैं पूरी बना लेती हूँ और पूरी बनाने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर जो गले का यहाँ का पार्ट होगा, जो कॉर्नर हमने बनाए थे, वो आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पर कैसे बनना है। यहाँ हम तीन नहीं बनाएंगे, यहाँ हम सिंगल ही बनाएंगे, क्योंकि हमारी चैन जो हमने बनाई थी वो एक ही है। हमने एक ही जगह पर कॉर्नर बनाया था, इसलिए हमें एक ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इस तरीके से पूरा कर लेते हैं, पूरा राउंड गले का यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने ये पूरा राउंड गले का कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे और इसको इसी के अंदर अटैच कर देंगे, ठीक है ना। इसके आगे मैं यहाँ पर इसकी स्लीव्स बनाना बताऊंगी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें मैं बनाना बताऊंगी इसमें इसके किस तरीके से इसकी मैंने बाजू बनाई है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका गेटअप। आप चाहें तो आप बिना बाजू के भी इसे बना सकती हैं। देखिए इसका ऐसे भी लुक बहुत प्यारा लग रहा है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।